ये थे जनाब जिला मुल्तान के मीर मुफ्ती मजहर हुसैन चिश्ती साहब, डिवीजन डेरा गाजी खान के मीर मोहतरम जनाब अल्लामा खुबैब नक्शबंदी साहब, वो स्टेज पर तशरीफ लाते हैं। जनूबी पंजाब के मीर हजरत अल्लामा पीर सैयद सरवर हुसैन शाह साहब बुखारी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खिताब तो सब ने किबला कायदे मिल्लत इस्लामिया का ही सुनना है। एक बात मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी कि एक वो वक्त था जब किबला बाबा जी ने बयान फरमाते हुए एक चीज की तरफ इशारा फरमाया था। आपने फरमाया सी कि मौलाना खुदा बख्श खैरपुरी उन्होंने कुत्ती पौंकी दे कुत्ती मर गई। आप पीछे पलटे थे, आपने फरमाया कुतिया मैंने तुझे कुछ नहीं कहा लेकिन मेरे रब से यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसके वली को कोई पौंके। आज आप गौर करें वो जिन्होंने सीढ़ियों से घसीटा था वो कहां जलील हो रहे हैं, और वो जो कहते थे कि हमने खादिम रिजवी को दहशतगर्दी और गद्दारी के मुकदमे में फुला थाने में बंद कर दिया, आज उनकी हालत क्या है? अल्लाह ने सबके गले में जिल्लत का तोड़ बनाया है और बताया है जो मेरे वली से पत्थर लगाएगा उसका ऐसे ही रगड़ा निकलेगा, उसका ऐसे ही रगड़ा। आप भी अगर किसी को समझ रहा है तो फिर वो बड़ा ना समझ है। और एक बात मैं और भी आपको, मैंने खुद बाबा जी से सुना था, आपने फरमाया ये जितना मर्जी जोर लगा ले याद रखो ये अल्लाह के राजों में के राज है कि तहरीक लब्बैक की हुकूमत इंशाल्लाह आएगी और मुल्क में निजाम मुस्तफा का निफाज होगा और इंशाल्लाह ये होकर रहेगा इंशाल्लाह।